पंचायत चुनाव को लेकर बिल्कुल इसकी पूरी तैयारी है। हम लोगों को जो बाहर से अतिरिक्त बल मिलना था वो हम लोगों को मिल चुका है। पूरी व्यवस्था हम लोगों ने लगा दी है। हमारी करीब 80 से ऊपर जो पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं वो चलेंगी पूरे। उसमें जो हमारे अधिकारी कर्मचारी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स QRT वगैरह जो है वो सभी रहेंगे। इसके अलावा अन्य 20 गाड़ियाँ और इसके अलावा चलेंगी जिसमें पूरा बल रहेगा। ये पूरे मतदान केंद्रों को कवर करेंगी। उस दिन सुबह जो मतदान केंद्र हैं हमने उनकी संवेदनशीलता के हिसाब से वहाँ पर पूरा पर्याप्त पुलिस का बल लगाया हुआ है। कोई भी किसी भी तरह की यदि हरकत करता है तो उससे सख्ती से बिल्कुल निपटा जाएगा। जो बदमाश हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड है, जो गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। हमने करीब 13-14 हज़ार लोगों के ऊपर लॉक ओवर की कार्रवाई की है और करीब लाहौर क्षेत्र में 300 के आसपास लोगों का हम लोगों ने जो है पैसे के माध्यम से भी बाउंड ओवर करवाया है, नगद रकम से बाउंड ओवर करवाया है। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में जो है अपराधी हैं उनको जिला बदर भी किया है और पूरी तरह से हम लोग इसमें नज़र जमाए बैठे हैं। कई संवेदनशील केंद्रों पर हमने CCTV कैमरे और इन सबकी व्यवस्था की है। पुलिस की गाड़ियों में कैमरे वगैरह ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। कोई कहीं घटनाक्रम करता है कुछ करता है तो उसकी बजाय पूरी रिकॉर्डिंग होगी और उसको आइडेंटिफाई करके उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ जो पोलिंग पे एजेंट भी लगे हुए हैं उनके लिए भी निर्देश हैं कि उनके भी माध्यम से पोलिंग बूथ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई मोबाइल इस तरह का वो ना लेके जाएँ। और पूरा जो हमारा प्लान है वो हम लोगों ने सेट किया है और उसके हिसाब से करेंगे। सर, ड्रोन भी पहली बार उपयोग हो रहा है तो किस तरीके से ड्रोन नज़र रखेंगे? देखिए, जो ड्रोन है वो सामान्य ड्रोन नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हाईटेक ड्रोन है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और अपने क्षेत्र में करीब 7 किलोमीटर तक के आसपास का कवरेज करने में सक्षम है। काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, उसका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। काफ़ी ऊंचाई तो उड़ने की वजह से सामान्य तौर पर कई बार ये नीचे जो लोग हैं उनको दिखता नहीं है और ऊपर से ये अपनी रिकॉर्डिंग बनाता रहता है। तो इस तरह के करीब 3-1 ड्रोन जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे और जो लोग इस तरह के घूम रहे हैं मतदान केंद्र के आसपास तो उनकी पूरी विधिवत रिकॉर्डिंग होती रहेगी। अगर कोई किसी तरह का गड़बड़ करने का प्रयास करता है तो वो ड्रोन के माध्यम से उसकी रिकॉर्डिंग। किसी पोलिंग बूथ के अंदर पर सर आसपास तत्वों के द्वारा कोई कैप्चरिंग की प्रयास करता है, इसके लिए क्या पुलिस की तैयारी है? देखिए, इसमें जो हमारा बल लगा हुआ है ऐसे पुराने संवेदनशील केंद्र जहाँ पर पूर्व में झगड़ा हुआ है, इस तरह की कोई गतिविधि हुई है वहाँ पर बाकायदा हम लोगों ने सशस्त्र बल लगाया है। इसके अलावा भी अन्य जगहों पर भी अच्छी संख्या में हमने फोर्स को तैनात किया है यदि कोई इस प्रकार का करता है। इसके अलावा हमारी पूरे उसमें सेक्टर मोबाइल, उनके ऊपर सुपरवाइजरी मोबाइल्स हैं, QRTs हैं, अधिकारियों की मोबाइल हैं, सब वहाँ घूम रही हैं। कोई भी करता है सूचना मिलते ही या वहाँ पर मौके पर पहले जो है बल उससे निपटेगा और हमारी मोबाइल तुरंत पहुँच के ऐसे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे और उनकी जो है चुनाव के समय उसको सख्ती से निपटते हुए उनके आपराधिक जो भी मामला पंजीबद्ध करना है और कार्रवाई करनी है वो करेंगे। कोई नंबर सर ऐसे जारी किया है जहाँ कोई शिकायत मिलती है वहाँ कोई जारी कर सकते? एक नंबर हम लोगों ने जारी किया, आप लोगों के माध्यम से बता रहे हैं, उसमें 75-876-20-500 ये नंबर है जिससे जिसपे कोई भी व्यक्ति फोन करके बता सकता है अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम हो रहा है या उसने रिकॉर्डिंग की हो तो उसको फोटो वीडियो भी जो है वो इस पर इस नंबर पर भेज सकता है। तो ये हेल्पलाइन का नंबर है। इसके साथ साथ आप संबंधित थाना प्रभारी SDOP या किसी का भी नंबर हो आप उसको भी सूचना दे सकते हैं। तो मैं एक बार और नंबर बता देता हूँ, ये है 75-876-20-500।